बलरामपुर के ग्राम अमदंडा प्राथमिक विद्यालय में खेलते खेलते बच्चे की जान चली गई। आपको बता दें कि स्कूल में कुएं में गिरने से 7 साल के लड़के की मौत हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी KL महिलांगे ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के दोनों शिक्षक हड़ताल पर थे और एक मिडिल स्कूल के शिक्षक को दोनों स्कूल चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लंच के दौरान बच्चों को कक्षा से बाहर जाने दिया और इस दौरान बच्चा कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। का माने गुरुजी नहीं थे, हड़ताल में थे, यही बस हम लोग देखे हैं। जैसे लड़का को बताया जैसे गिर गया है, तो आए के देखे थे कि यहाँ गिर कर माने निकाला गया उसको। लापरवाही तो देखिए गुरुजी यार ऐसा है, दाई लोग जो है, जब गुरुजी नहीं था तो इस जगह दाई थे, इस जगह एकदम कुआं के सटले तो उसको देखना था। लापरवाही तो है दाई में भी, गुरुजी में तो है ही है, जो भी है, जैसे भाई आज हड़ताल में है। स्कूल के सामने कुआं है, इसे ही पड़ा हुआ, मतलब कई वर्षों से है, लेकिन अभी ये इसमें कोई कमियाद नहीं है और यहाँ पे न इसका इसमें जाली लगाया है शासन, न कुछ नहीं किया है। ऐसे स्कूल के सामने प्रांगण में पड़ा हुआ है, इसी कारण से आज इस दुर्घटना हो गया है। प्राइमरी स्कूल का टीचर सब हड़ताल में है और ऊपर से निर्देश है अधिकारियों का कि स्कूल शाला संचालन बंद नहीं होना चाहिए, मध्याह्न भोजन भी सुचारू रूप से चलना चाहिए। और मैं अकेला टीचर यहाँ बचा हूँ और एक शिक्षक जो है उनका ड्यूटी जो है प्रशिक्षण में लगा हुआ है और मैं अकेला बचा, जिसको देखते हुए मैं जो है शाला को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अपने कैंपस में ही बच्चों को बैठाया कि जो है कोई अनहोनी ना घटे। और जैसे ही मध्याह्न भोजन का छुट्टी का टाइम हुआ तो मध्याह्न भोजन के लिए मैं छुट्टी दिया और पीछे से मैं जा ही रहा था देखने उसको कि वहाँ जाते जाते जो है ये घटना हो गया। प्राथमिक शाला में दो सहायक शिक्षक हैं, दोनों हड़ताल में है करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है। मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक शिक्षक लंबी अनुपस्थिति में है, 2 शिक्षक हैं, दो में आज एक महाराजगंज में जो प्रशिक्षण चल रहा है PLC CSE का, वहाँ प्रशिक्षण में एक शिक्षक गए हैं, एक शिक्षक मिडिल स्कूल में थे और दोनों स्कूल की जिम्मेदारी उनको दी।